नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र ने उत्तराखंड के लिए 559 करोड़ रुपए किए जारी। केंद्र ने उत्तराखंड के लिए 559 करोड़ रुपए किए जारी। 33 परियोजनाओं के लिए जारी किए गए 559 करोड़ रुपए। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का किया शुक्रिया। प्रदेश में विकास को मिलेगी गति। सीएम धामी का यह बयान सामने आया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 559 करोड़ रुपए जारी किया है, जिसको लेकर 33 परियोजनाओं के लिए इस राशि को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। साथ ही इस बात को लेकर भी बात कही है कि प्रदेश में इससे विकास को तेज गति मिलेगी। 33 परियोजनाओं के लिए जारी किया गया 559 करोड़। प्रदेश में विकास को मिलेगी गति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार। तो 33 परियोजनाओं के लिए केंद्र की तरफ से 559 करोड़ जारी होने के बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर आभार जताते हुए इस बात को लेकर भी आश्वासन दिया है कि 559 करोड़ रुपए जारी होने के साथ ही साथ उत्तराखंड में विकास को तेज गति मिलेगी। जिस तरह से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम योजनाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री अपना 100% योगदान दे रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई इस राशि के द्वारा उस विकास को गति मिल पाएगी। इसके अलावा लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन को और बेहतर करने में जी जान से लगे हुए हैं। 33 परियोजनाओं के लिए जारी किए गए 559 करोड़ रुपए। उत्तराखंड से इस वक्त की अहम जानकारी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का किया शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्र के द्वारा उत्तराखंड को 559 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र की तरफ से ये राशि जारी की गई है। लगातार लोकसभा चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड में अलग अलग परियोजनाओं को लेकर तेजी से काम चल रहा है। और इसी खबर को लेकर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से 559 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं और इससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर आश्वासन जताया है कि तमाम 33 परियोजनाएं जो हैं वो अब पूरी गति के साथ पूरी की जा सकेंगी। बिल्कुल, इसे राज्य के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो प्रयास कर रहे हैं राज्य के विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले, उस पर सकारात्मक पहल या सकारात्मक कदम केंद्र की तरफ से कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य के विकास से जुड़ी जो परियोजना है, जो केंद्र सहित परियोजना है, उन पर केंद्र से लगातार निगरानी करने, बजट स्वीकृत करने और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की मांग यहां पर कर रहे थे। और यही वजह है कि आज केंद्र की तरफ से 33 विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई है उनके लिए बजट आवंटित करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। 559 करोड़ का एक भारी भरकम बजट की राशि राज्य के लिए स्वीकृत की गई है, जो इन 33 परियोजनाओं के तहत यहाँ पर स्वीकृत होगी, खर्च होगी और राज्य में जो विकास की रफ्तार होगी वो तेज होने का काम यहाँ पर करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड राज्य में विकास के लिए केंद्र से बातचीत कर रहे हैं, केंद्र से सहयोग की अपील यहाँ पर करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज केंद्र की तरफ से ये परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर मिली, उसमें बजट आवंटन कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य ने उत्तराखंड को 2025 तक श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार करने का जो लक्ष्य चुना, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र का सहयोग बहुत जरूरी होता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार इस चीज का जिक्र भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के लिए साफ तौर पर कहा था कि उत्तराखंड का जो ये सदी का जो तीसरा दशक है उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे में प्रयास यही है धामी सरकार के कि राज्य में जो विकास की रफ्तार है उस रफ्तार को और तेज बढ़ाया जा सके, जो निर्धारित लक्ष्य है उस लक्ष्य को बढ़ा पाया जा सके और राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके। तो इन 33 परियोजनाओं के लिए जो बजट आवंटन हुआ उसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राज्य के भीतर जो परियोजनाएं निर्मित होंगी उससे राज्य के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और आने वाले समय के लिए उत्तराखंड राज्य इन परियोजनाओं से विकास की श्रेणी में भी और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी
जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह से प्रदेश को विकास की गति को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है, केंद्र ने उत्तराखंड के लिए 559 करोड़ रुपए 33 परियोजनाओं को लेकर जारी किए हैं। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से सामने आ रही है, सत्ता की हनक एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां अल्मोड़ा से बीजेपी के विधायक महेश जीना पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से बदसलूकी करने का आरोप सामने आया है। अल्मोड़ा के सल्ट विधायक महेश जीना ने देहरादून नगर आयुक्त कार्यालय में दबंगई दिखाई है। अब उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बाकायदा आलम यह रहा है कि नगर आयुक्त और विधायक के बीच तू तड़ाक की बहस भी सुनाई दी। आपको बता दें कि महेश जीना किसी टेंडर के संबंध में देहरादून नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में कुछ लोगों के साथ पहुंचे। आरोप है कि यहां उन्होंने हेड क्लर्क पवन थापा के साथ अभद्रता की, साथ ही उन्हें धमकाया भी। इसके बाद विधायक नगर आयुक्त के कार्यालय पहुंचे और उनके साथ ही बदतमीजी की। तो ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें और सुनाते हैं आपको सत्ता की हनक किस तरह से यहाँ नजर आई है। तेरे सरकारी वाले की जगह पे प्राइवेट आदमी क्या देख रहा है? नहीं कर रहा मैं बात। तू करेगा ना? तू करते हैं फरिश्ते करेंगे? नहीं कर रहा मैं। अभी हम करवाएंगे ना? करवा दीजिए। तू ही करेगा? करवा दीजिए। देख ले फिर। करवा दीजिए, देख लीजिए। यही बैठे हम। मैं भी यही हूँ। देख ले फिर। करवा दीजिए। नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मत करो। नहीं कर रहा मैं। तू कर दीजिए। अरे कर रहे हम। हाँ हाँ कर दीजिए। मुंह मत चला। बदतमीजी मत करो। अरे तू चलना, तेरी बदतमीजी मत करो। तू बोल रहा बकवास मत कर। नहीं नहीं होगा, तू कमिश्नर कोई भी हो, बदतमीजी नहीं चलेगी। मेरी बदतमीजी नहीं चलेगी बेटा। कोई आप देख पा रहे हैं जीना से विधायक सर से विधायक महेश जीना के कारनामे, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये विधायक इस तरह के कारनामों के लिए पहले भी जाने जाते रहे हैं। किस तरह से अधिकारी से तू तड़ाक कर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ साफ धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच पहुंचकर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के ये विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के किए कराए पर पानी फेरते हुए पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता अजय मित्तल भी जुड़े हुए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं जी अभय, जिस तरह से ये वीडियो निकलकर सामने आया है, सड़क के विधायक महेश जीना जिस तरह से अधिकारी को तू तड़ाक और बदतमीजी की भाषा में लहजे में धमकाते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या था पूरा मामला? अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा के भाजपा विधायक महेश जीना आज देहरादून में यहाँ पर आए थे। नगर निगम देहरादून कार्यालय में जैसे ही पहुंचे, उनके द्वारा नगर आयुक्त के साथ सीधे तौर पर बस और मर्यादित व्यवहार यहाँ पर किया गया है। जो असभ्य भाषा जो राजनीतिक क्षेत्र जुड़े व्यक्तियों के लिए शोभा नहीं देती है, उस भाषा का प्रयोग उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त कार्यालय में सभी कर्मचारी, नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इस प्रकार से विधायक की तरफ से यहाँ पर मर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया, असभ्य भाषा से सभी कर्मचारी आहत नजर आए, और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उनके खिलाफ कर्मचारियों में काफी आक्रोश भी यहाँ पर देखने को मिला। जो नगर निगम के सूत्र बता रहे हैं यही है कि किसी टेंडर प्रक्रिया को लेकर भाजपा विधायक ने यहाँ पर हंगामा काटा। उनकी तरफ से अपने बेटे के लिए वेस्ट मैनेजमेंट का जो टेंडर होता है, उस टेंडर को छुड़वाने की बात यहाँ पर कही जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का काम नगर आयुक्त की तरफ से किया गया, उसमें उनके विधायक के बेटे का नाम नहीं आया, जिस वजह से काफी नाराज यहाँ पर दिखे। और यही वजह रही कि उनके तरफ से नगर निगम कार्यालय, नगर आयुक्त कार्यालय में हंगामा काटा गया, और विधायक के जाने के बाद कर्मचारियों की तरफ से भी नगर निगम परिसर में धरना दिया गया था और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। जी जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ संवाददाता अजय मित्तल भी जुड़ चुके हैं। जी अजय, ये जो पूरा मामला है और उसमें जिस तरह से यहाँ पर नेता महेश जीना धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तू तड़ाक की बात वहां पर हुई है, इसके अलावा क्या बीजेपी की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या पूरा मामला है, जानकारी दीजिएगा। ठीक है, नगर निगम का ये टेस्टिंग ग्राउंड में जो कूड़ा है, करोड़ों रुपए का इसका कोई टेंडर है वो कूड़ा उठान का, उसी को संबंध में जो है लगभग 3 बजे के आसपास जो है महेश जिला के विधायक है चटके अपने कुछ लोगों के साथ नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में पहुंचे, जहां उन्होंने
जो हेड कलर थे पवन थापा उससे थोड़ा बदतमीजी करी है और जो ऑफिशियल कागज है उसको दिखाने की बात कही, जिस पर पवन थापा ने उनको ये कहते हुए कह दिया कि जो उनके उच्च अधिकारी हैं जब तक वे उन्हें कहेंगे तब तक वे कागज नहीं दिखा पाएंगे। इसी बात पर विधायक जो है आग बबूला हो गए और उन्होंने काफी जो है बदतमीजी करी, यहाँ तक कि उन्हें गाली गलौज भी करी पवन थापा के साथ। इसके बाद जो है ये बीजेपी विधायक जो है मैजीना नगर आयुक्त के कार्यालय पहुंचे जहाँ उन्होंने गौरव कुमार जो नगर आयुक्त उनके साथ भी काफी बदतमीजी करी, यहाँ तक की नौबत हाथा पाई तक भी आ गई थी, लेकिन उनके साथ जो आए लोग थे या जो ऑफिस के कर्मचारी थे उन्होंने बात को संभाला, जिस पर जो है काफी बहसा बात हुई। उसके बाद जब तक कर्मचारी एकत्रित होकर नगर आयुक्त के कार्यालय पहुंचे तब तक जीना जी, अजय इस पूरे मामले में जिस तरह से जानकारी निकल कर सामने आ रही थी क्या टेंडर को लेकर नाराजगी थी, और अगर नाराजगी थी तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? देखिए ये नगर निगम का कूड़ा उठान का टेंडर है, करोड़ों रुपए का ये टेंडर है और ये सुनने में ये भी आ रहा है कि वो अपने बेटे के जो उनका नाम है उस पर नहीं आया, इसी बात को लेकर विधायक जो है निगम आए थे और कुछ कागज जो है निगम के कर्मचारी पवन थापा से मांग रहे थे, इस पर उन्होंने इनकार कर दिया, इसी बात को लेकर वो आग बबूला हो गए और उसके बाद जो लगभग सब कर्मचारी जो है निगम में एकत्रित हुए और उन्होंने जब तक उनको जब तक उनको करता तब तक अपने समर्थकों के साथ वहां से जाकर व्यक्तिगत फायदे की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी टेंडर के माध्यम से। जी बिल्कुल, जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा था कि उनके जो बेटे का टेंडर है उनका नाम नहीं आया तो किसी तरह दबाव बनाकर निगम में उस टेंडर को हासिल किया जाए, लेकिन जिस तरह से कर्मचारी ने बिल्कुल पारदर्शिता का हवाला दिया और उच्च अधिकारियों की बात कहते हुए कि तब तक वो उन्हें नहीं कहेंगे वो कागज नहीं दिखाएंगे, इसी बात को लेकर जो है सारा बवाल हुआ आज। जी बिल्कुल, अजय आप बने रहिएगा हमारे साथ अभय भी लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है ये कोई पहला मामला नहीं है, ये जनाब पहले भी इस तरह की सुर्खियां बटोर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चाल चरित्र की बात करती है उसके सीधे विरुद्ध व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी की साख पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी अभय, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? हमारे साथ लगातार अजय भी बने हुए हैं। अजय, इस मामले की यदि बात करें तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी महेश जीना सुर्खियों में आ चुके हैं इस तरह के व्यवहार के चलते। पहले भी कई कारणों में सामने आ चुके हैं और एक नया कारण जो है नगर निगम में देखने को मिल गया है और ये मामला जो है टेंडर का था, इसी को लेकर सारा बवाल हुआ है। आप देखने को ये बात है कि जैसे नगर निगम में टेंडर की पूरी पारदर्शिता की बात की जाती है उसी को लेकर जो कर्मचारी ने उन्हें रोका कि कागज नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इनका साहब कहना था कि वो एक जनप्रतिनिधि है और जो कुछ भी वो कागज मांग रहे हैं उन्हें दिया जाए, इसी बात को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि नगर आयुक्त जो यहाँ के कमिश्नर है उसको भी जो उन्होंने धमका डाला बुरी तरह से और कमिश्नर भी जो है अपनी बात रखने के लिए सचिवालय तक गए हैं और अपनी बात वो कह रहे हैं कि शासन के अधिकारियों से कहेंगे। जी अजय, इसके अलावा इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या किसी बीजेपी नेता का भी कोई बयान आया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, लगातार मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं और दूसरी तरफ विधायक का इस तरह का व्यवहार? देखिए मामला क्योंकि अभी कुछ ही समय बीता है, अभी बीजेपी विधायक का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन विपक्षी जो कांग्रेस है उनका बयान सामने आया और उन्होंने इसी बात को आड़े हाथों लिया है और सीधा सीधा जो बीजेपी कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने सीधा कहा है कि ये सत्ता की हानक है, इसको लेकर जो है आज इस तरह का ये प्रकरण हुआ है नगर निगम में। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह से ये वीडियो सामने निकल कर आया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता की हनक का इस तरह नशे में चूर नमूना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं विधायक। इससे पहले इस पर आगे हम आपको जानकारी दें, कुछ बयान आपको सुनाते हैं। पता लगा कि 3:30-4 बजे के लगभग साल्ट से जो कुंभ में से कोई विधायक आए तो हमारे नगर आयुक्त साहब बदतमीजी करी बहुत ही बुरी, उससे पहले वो हेल्थ में अनुभाग में जाके वहाँ बदतमीजी करी, उसमें पवन थापा हमारा कर्मचारी बल्कि भी रो रहा था, तो ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिला के जब तक इसके कोई कार्रवाई, हम तो कहेंगे सबसे पहले इसकी गिरफ्तारी हो और कल से जो है हम कूड़ा और हमारा पूरा कार्यालय पूरा बंद रहेगा, सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। ये मैं कहानी आपको, चूंकि मैं तो उस समय मौजूद नहीं था, चूंकि मैं यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते मेरे को मैं बुलाया गया कि आप आइए, मेरा सेक्रेटरी डोई वाला गया था किसी उससे, तो तब मुझे आना पड़ा, जब तक मैं आया तो उसके बाद निकल गए वो मिली है कि कमिश्नर साहब। हाँ कमिश्नर साहब सब बदतमीजी करी उसने, वो बाकायदा वीडियो को रखा उसका। हमारी क्या, हमारी रणनीति क्या है, हमारे हमको वो हमारे बीच में आया, हमारे यहाँ आके माफ़ी मांगे
और दूसरा जब तक नहीं होता तो सफाई व्यवस्था चौपट कर दी जाएगी। आज हमारे सफाई संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने सफाई वालों को सबको सचेत कर दिया, बता दिया है। उत्तराखंड भाजपा के बाहुबली नेताओं में एक नाम और शुमार हो गया और वो नाम है सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का। आज वो नगर निगम देहरादून पहुंच गए और नगर आयुक्त के साथ भाषा की सारी मर्यादाएं लांग दी। गाली गलौज और अभद्रता की सीमा और पराकाष्ठा थी कि सल्ट विधायक ने अपने बेटे का टेंडर ना होने की वजह से खासी नाराजगी वहां पर दिखाई और सुनने में आया है कि अच्छी खासी बदतमीजी उन्होंने नगर आयुक्त के साथ की। नतीजतन वहां सफाई कर्मचारी जो है अब हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए इनकार कर दिया है। ऐसे में सहज धारा पर जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहां पुराना कूड़ा निस्तारण का ये टेंडर होना था और टेंडर अपने बेटे को ना मिलता देख विधायक साहब ने अपना आपा खो दिया और नगर आयुक्त को खरी खरी सुना दी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता देहरादून से अभय कैथुरा लगातार बने हुए। जी अभय, इस पूरे मामले में जिस तरह से वीडियो सामने आने के बाद में नाराजगी सामने आ रही है, सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं व्यवहार के बाद। बिल्कुल, इसे एक रूप में कहा जा सकता है कि विधायक जो सत्ता के नशे में मदमस्त है, विधायक जो सत्ता के नशे में चूस है, उनकी तरफ से एक निजी कार्य, ये कह सकते हैं कि उनके बेटे को एक टेंडर यहाँ पर होना था जिस टेंडर प्रक्रिया में वो यहाँ पर सम्मिलित शामिल नहीं हो पाए थे या उनकी जो टेंडर प्रक्रिया की व्यवस्था थी उसको पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद ये कह सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें पारदर्शिता बरतने का काम वहां पर किया गया था, जिस पर विधायक खासे नाराज यहाँ पर दिख रहे थे क्योंकि विधायक को उम्मीद ये थी कि सत्ता में होने का लाभ उनके बेटे के इस टेंडर प्रक्रिया पर भी मिलेगा। नगर निगम के जो अधिकारी होंगे वो उनके बेटे को ये कार्य देने का काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन ये क्या कहा जा सकता है कि नगर निगम प्रशासन की तरफ से टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शिता के रूप में यहाँ पर सामने किया गया था, उस पर जो काम था उसे सही नियमों के आधार पर बढ़ाने का काम किया गया, जिससे विधायक की तरफ से ये कह सकते हैं कि अपना आपा खोने का काम यहाँ पर किया गया। नगर निगम के जो कार्यालय है वहाँ पर नगर आयुक्त के साथ, यहाँ पर स्थित कर्मचारियों के साथ असभ्य भाषा का प्रयोग वहाँ पर किया गया। जिस प्रकार से विधायक वहाँ पर असभ्य भाषा का प्रयोग करें वो किसी भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं कहा जा सकता, और यही वजह है कि अब जो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी उनकी तरफ से आक्रोशित होकर पूरे शहर में कूड़ा ना डोर टू डोर कूड़ा ना उठाने का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया। उनका कहना है जब तक सरकार की तरफ से विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, विधायक स्वयं कर्मचारियों से माफी नहीं मांगते, तो उनकी तरफ से कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि अब पूरे प्रदेश में जो सियासत है वो हर गर्म होने लगी और भाजपा के लिए बड़ा चिंता का विषय यह है कि एक के बाद एक पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो अपने सत्ता के हलक दिखाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और पार्टी संगठन की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारे साथ अजय मित्तल भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर पालिका बड़कोट में लाभार्थी सम्मान सम्मेलन में शिरकत की, जहां सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित कई योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इससे पहले मुख्य बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के रोड शो में फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कई लाभार्थियों को आवास की चाबी, लक्ष्मी किट व कई योजनाओं से लाभान्वित किया। चाहती हूँ कि मुझे जूट बैग में इतनी सहायता मिले कि जो मैं अपनी दुकान खोल पाऊँ। और आज सीएम आए थे तो आज सीएम आए थे यहाँ, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे अपने साथ मतलब हमको कोई लाभ दें और मैं अपने जूट बैग का एक छोटी सी छोटी नगर पालिका परिषद बड़कोट में एक दुकान खोलो और साथ में मेरे सर भी है यहाँ जो हमारा साथ दे रहे हैं और हमने 13 दिन तक जूट बैग की ट्रेनिंग की। राम कुमार से हूँ, मशरूम उत्पादक काम करती हूँ, 2 साल से समूह में जुड़ी हूँ और स्वयं सहायता समूह से हमें काफ़ी लाभ मिला है जिससे आर एफ शेफ और शिक्षा के माध्यम से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे कहने ये कह रहे हैं कि लखपति दीदी योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से हमें आज
कार्यक्रम में किया गया था समारोह मुख्यमंत्री के माध्यम से हमें बहुत खुश है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए हैं और महिलाओं की जो बारे में वो सोच रहे हैं कि जनता क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है उनके प्रति हम बहुत खुश हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आके कुछ हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। राजधानी देहरादून से देश के तीन प्रमुख शहर अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र से मंजूरी मिल गई। तीनों हवाई सेवाओं की शुरुआत 6 मार्च को होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। अयोध्या के लिए जो भी भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सबके हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है, देश के अन्य जो शहर छूटे हुए उन शहरों के लिए भी हम जल्द सेवा शुरू करेंगे। खबर देहरादून से है जहां धामी सरकार दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त कानून लेकर आई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक दंगों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देश का सबसे सख्त कानून है जिसे मंजूरी दे दी गई है। उसमें हमने बड़ा अध्ययन किया था, उसी प्रकार से पिछले समय में कुछ घटनाएं हुई और उपद्रव हुआ है। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, जो भूमि है यहाँ पर इस प्रकार की तोड़फोड़, इस प्रकार का उपद्रव, निजी और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना, इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम अध्यादेश लाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से, उपद्रव करने वालों से कानून की कठोर कार्रवाई, उनके लिए कोई रास्ता न बचे, इसलिए हमने ये कानून लाए। इसमें हमने कठोर सजा का प्रावधान, उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, उनकी पूरी जिंदगी का अधिकार है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा प्रथम दृष्टया 8 लाख तक का जो है उसके ऊपर सीधे जुर्माना किया जाएगा, सीधे उसकी वसूली की जाएगी। खबर देहरादून से है जहां प्रदेश में जल्द और उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले अशासकीय स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती पर लगी रोक हट सकती है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कमेटी गठित की है। ये कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। TG शिक्षा बंशीधर तिवारी के अनुसार सरकार जल्द इस प्रक्रिया को पूरी कर रही है, लेकिन इन स्कूलों में शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती कराई जा सके। माननीय मंत्री जी द्वारा इसमें निर्देश दिए गए थे और कहीं कहीं छात्र संख्या कम है वहाँ पर भी भर्ती का प्रस्ताव आया हुआ है, तो ये तय किया गया था कि पहले छात्र संख्या का पता करा लिया जाए, जहाँ बहुत जरूरत है वहीं दिया जाए और दूसरा अन्य प्रदेशों में क्या प्रक्रिया है उस पर भी विचार कर लिया जाए। जैसे अगर कोई स्वतंत्र आयोग का गठन करना है तो आयोग का या UPSSC के माध्यम से, लोक सेवा के माध्यम से भर्ती करने की निर्देश दिए गए। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने भी अपनी एक समिति बनाई हुई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि जो उच्च शिक्षा विभाग की जो प्रक्रिया निर्धारित करेगी समिति, वही माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए भी लागू किया गया। रुड़की के मेहवड़ में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने 151 सामूहिक जोड़ों का विवाह कराया, जिनमें से 60 मुस्लिम, बाकी हिंदू जोड़े शामिल थे। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि उनका यह प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि गरीबों को सहारा मिलता रहे और यहां पर उमड़ा जन समूह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने खुश हैं। इसी खुशी के लिए प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा गरीबों को सहारा मिल सके और उनका यह प्रयास लगातार बना रहेगा। खबर देहरादून से है जहां आज सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सैन्य धाम का निर्माण 5वें धाम के रूप में होना चाहिए, ऐसे में इस जगह पर कोई कमी न रहे या आने वाले लोगों को देशभक्ति की भावना महसूस हो। मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, उन्हीं फिर ग्राउंड से कहा था कि उत्तराखंड के अंदर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री चार धाम यहाँ पर हैं और ये सैनिक बाहुल प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर पांचवा सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है, यहाँ पर सैन्य धाम बनना चाहिए। और उनकी भावना के अनुरूप उष्ण सिंह धामी सरकार सैन्य धाम का निर्माण यहाँ पर करा रही है। लगभग 95 करोड़ से अधिक इसकी कॉस्ट आ रही है और उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। काम लगभग अंतिम स्टेज पर है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी विपक्ष के विधायकों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। वहीं अब उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्र चलाने में सरकार का पूरा सहयोग किया, लेकिन बजट सत्र पर विपक्ष को नहीं बोले दिए जाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार किया गया जब सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी नहीं रखा और बजट पर अपनी बात भी नहीं रखी। रुड़की के मेवण में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने 151 सामूहिक जोड़ों का विवाह कराया, जिनमें से 60 मुस्लिम, बाकी हिंदू जोड़े शामिल थे। विधायक उमेश कुमार ने बताया है कि उनका यह प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि गरीबों को सहारा मिलता रहे और यहां पर उमड़ा जन समूह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने खुश हैं। इसी खुशी के लिए प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा गरीबों को सहारा मिले और उनका यह प्रयास लगातार जारी रहे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं है। 151 लगभग 60 के करीब जो है मुस्लिम थी कन्याएं और बाकी हिंदू कन्याएं थी। ऐसे ही रहेगा भाई, ऐसे ही जारी रहेगा जैसे चल रहा है और ये क्रम जब तक जारी रहेगा जब तक कि एक भी कन्या ऐसी न रहे जो पैसे के अभाव में घर पर बैठी रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।